ಮಂತಿರೇಧಿ ಗಣಾನಾಪತಿ ಗುಂಭವಾಮಹಿ ಪ್ರಿಯಾಣಾಂ ತ್ವಾ ಪ್ರಿಯಪತಿ ಗುಂಭವಾಮಹಿ ನಿಧೀನಾಂ ತ್ವಾ ನಿಧಿಪತಿ ಗುಂಭವಾಮಹಿ ವಸೋ ಮಮ ಆಹಮಜಾನಿ ಗರ್ಭಧಮಾತ್ವಮಜಾಸಿ ಗರ್ಭಧಂ ಪಾವಕಾನಃ ಸರಸ್ವತಿ ಬಾಜೆ ಬರ್ಬಾಜಿನೀವತಿ ಜನ್ಯಂ ವಸ್ತು ಧಿಯಾವಶುಃ ಹರಿಃ ಓಂ ಆ ಕೃಷ್ಣೇನ ರಜಸಾ ವರ್ತಮಾನೋ ನಿವೇಶಯನ್ನ ಮೃತಂ ಮರ್ತ್ಯಂಚ ಹಿರಣ್ಯಯೇನ ಸವಿತಾರಥೇನ ದೇವೋ ಜಾತಿ ಭುವನಾನಿ ಪಶ್ಯನ್ನ ಹರಿಃ ಓಂ ಇಮಂದೇವಾ ಅಸ್ಪತ್ನಗುಂ ಸುವತ್ವಂ ಮಹತಿ ಛತ್ರಾಯ ಮಹತಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ಮಹತಿ ಜಾನರಾಜ್ಯ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಾಯ ಇಮಾಮುಖ್ಯಾ ಪುತ್ರ ಮಾಮುಖ್ಯೈ ಪುತ್ರಮಶ್ಯೈ ವಿಷಯಿ ಕಭೂಮಿ ರಾಜ ಸೋಮೋ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಗುಂ ರಾಜ ಹರಿಃ ಓಂ ಅಗ್ನಿರ್ಮೂರ್ಧಾದಿವಃ ಕಕುತ್ಪತಿಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಯಂ ಕಪಾಕುಂ ವಿತಾಕುಂ ಸಿಜಿನ್ವತಿ ಉದ್ಭುತ್ಯ ಸ್ವಾಗ್ನಿ ಪ್ರತಿ ಜಾಗ್ರಹಿ ತ್ವಮಿಷ್ಟಾಪೂತೆ ಸಗುಂ ಸ್ರಜಿಥಾಮಯಂಚ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸದಸ್ತೆ ಅದ್ಯುತರಸ್ಮಿನ್ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ಯಜಮಾನಶ್ಚ ಸೀದತ ಬೃಹಸ್ಪತೆ ಅತಿ ಜದರ್ಜೋ ಅರಿಹಾತ್ವಿಮತಿ ಭಾತಿ ಕ್ರತು ಬಚ್ಚನೇಕು ಜದೀತಯಕ್ಷವಸರಿತ ಪ್ರಜಾತ ತದಸ್ಮಾ ಸುದ್ರಮೀಳನ್ ಧೇಹಿ ಚಿದ್ರಮ್ಮ ಅನ್ನಾತ್ ಪರಸ್ರುತೋ ರಸಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ ವ್ಯಾಪಿ ಗಚ್ಚತ್ರಂ ಪಯಃ ಸೋಮಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ರಿತೇನ ಸತ್ಯಮಿಂದ್ರಿಯಂ ವಿಪಾನಕುಂ ಶುಕ್ರಮಂದಸ ಇಂದ್ರಸ ಇಂದ್ರಿಯಮಿದಂ ಪಯೋಮೃತಂ ಮಧು ಷಣ್ಣೋ ದೇವೀರಭಿಷ್ಟಯ ಆಪೋ ಭವಂತು ಪೀತಯೆ ಷಂಜೋರಭಿಸ್ರವಂತು ನಃ ಕಯಾನಶ್ಚಿತ್ರ ಆಭುವದೂತಿ ಸದಾ ಮೃದಃ ಸಖಾ ಕಯಾ ಸಚಿಷ್ಟಯಾ ವೃತ ಕೇತುಂ ಕೃಣವನ್ನ ಕೇತವಿ ಪೇಶೋ ವರ್ಜಾ ಅಪೇಶಸಿ ಸಮುಖದೃಜಾ ಯಥಾಹ ಗ್ರಹ ಊರ್ಜಾ ಹೃದಯೋಭ್ಯಂತೋ ವಿಪ್ರಾಯ ಮತಿಂ ತೀಖಾಂ ವಿಷ ಪ್ರಿಯಾಣಾಂ ಗೋಹಮಿಖ ಮೂರ್ಜಗುಂ ಸಮಗ್ರವಮುಪಯಾಮ ಗ್ರಹೀತೋ ಸೀಂದ್ರಾಯ ತ್ವಾಜುಷ್ಟಂ ಗೃಂಡಾಂ ಮೇಖತೆ ಜೋನಿರಿಂದ್ರಾಯ ತ್ವಾಜುಷ್ಟತಮಂ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಜಯ ರುದ್ರ ಅಧಿಭೂಮ್ಯಾಂ ಏಕಾಗುಂ ಸಹಸ್ರಯೂಜನೇವ ಧನ್ವಾನಿ ತನ್ಮಸಿ ಇದಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಚಕ್ರಮೇ ತ್ರೇಧಾನಿ ದಧೇ ಪದಂ ಸಮೂಢಮಸ್ಯ ಪಾಗುಂ ಸುರೇ ಸ್ವಾಹಾ ಶ್ರೀಶತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ನ್ಯಾ ಬಹುರಾತ್ರೆ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ರೂಪಮಸ್ವಿನೌ ವ್ಯಾತಂ ಇಷ್ಟನ್ನಿಖಾಣ ಮುಂಬ ಇಖಾಣ ಸರ್ವಲೋಕಂಬ ಇಖಾಣ ನಮೋ ಸ್ವನಂದಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತೈ ಸಹಸ್ರಪಾದಾಕ್ಷಿಚೋರುವಾಹವೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನೇ ಪುರುಷಾಯ ಶಾಶ್ವತಿ ಸಹಸ್ರಕೋಟಿಯುಗಧಾರಿಣಿ ನಮಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಾಯ ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ಯಾದಿ ಹೇತವೇ ತಾಪತ್ರ ವಿನಾಶಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ವಯಂ ನಮಃ ಅಜ್ಞಾನತಿವರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ
गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु चरण कमले नमः। श्री कपूर साहब, केदार साहब, गुरु जी को मेरा पुष्पांजलि अर्पित है। जय गणपति। जय गणपति के पंडित जी, लगता है आपकी प्रार्थना में आज होश बहुत था, और जो मुझे लग रहा था कि काफी लोग सोए हुए हैं, जाके आ गए वापस वहां पर। उम्मीद है कि बाकी और लोग जाके आ जाएंगे, क्योंकि अगले वक्ता भी ओजस्वी वक्ता हैं, और जो पंडित वास्तु शर्मा के नाम से ज्यादा फेमस प्रसिद्ध हैं, मेरे अनुरोध पे इस बार वो वास्तु पे नहीं बोलेंगे। उन्होंने विषय चुना है कि पंडित सतीश शर्मा जी ने वर्गा चार्ट के ऊपर आज आप लोगों को उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, कथन में किस प्रकार का प्रयोग होता है, अपने अनुभव के आधार पर और अपने ज्ञान के आधार पर आज आप लोगों को दिशा निर्देश देंगे। मैं पंडित सतीश शर्मा जी का एक बार फिर से आदर अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ, और अनुरोध करता हूँ कि अब आप अपने वक्तव्य से लोगों को ज्ञान से प्रफुल्लित करें। पंडित जी, वैसे तो 45 मिनट का समय है, पर मेरा अपना इस सीरीज में नियम रहा है कि मैं किसी वक्ता को नहीं रोक रहा हूँ। आप जब अपने आप अपनी वाणी को आराम देना चाहेंगे, तब तक के लिए आपके पास समय है। स्वागत है आपका पंडित जी। नमस्कार। शुक्ला साहब नहीं है इसमें? नहीं, अभी शुक्ला साहब असल में इंडिया से बाहर है, तो समय उपलब्ध नहीं हो पा रहा, टाइम जोन में फर्क पड़ रहा है उनके। ठीक है, तो आपको, आपके चैप्टर को, ब्रिगेडियर साहब को, सबको, श्रोताओं को मेरा नमस्कार हो। और डिविजनल चार्ट तो मैंने इसलिए बोला कि सबसे आसान काम यही है कि जब कुछ भी तैयारी नहीं है तो डिविजनल चार्ट से मिलो। तो मैं छोटी छोटी कुछ चर्चाएं करूंगा, उनमें ये शामिल है कि कुछ नियम डिविजनल चार्ट्स के खिलाफ पड़ते हैं नाड़ी ज्योतिष के, उनकी हल्की सी चर्चा लाऊंगा। तो 7-8 टॉपिक मैंने से छोटे छोटे छांटे हैं, जिन पे खाली चर्चा हो और कोई बहुत गंभीर वाचन नहीं है मेरा। तो मैं स्टार्ट इस बात से ही करता हूं कि परंपरागत ज्योतिष में षोडश वर्ग की चर्चा है। ये षोडश वर्ग है, मैं स्क्रीन पे ला रहा हूं। तो षोडश वर्ग हो तो ठीक है। जबकि दक्षिण भारत में जब नाड़ी ग्रंथों में चर्चा करते हैं तो एक नाड़ी का विभाजन 150 भाग तक जा रहा है। वो चार्ट सॉरी, मैं थोड़ा अपलोड करने में टाइम लग रहा है। ये चार्ट विजिबल है क्या? जी सर, विजिबल है, विजिबल है, दिखाई पड़ रहा है। षोडश वर्ग में हम अधिकतम एक लग्न का 60 हिस्सा करते हैं, जबकि नाड़ी ज्योतिष में 150 हिस्सा है। तो क्या हम ये मान लें कि नाड़ी ज्योतिष में डिविजनल चार्ट्स का ज्यादा अध्ययन हुआ है और ज्यादा एडवांसमेंट है, अधिक सूक्ष्म हो गए हैं, कि हम यहाँ लग्न का अधिकतम 60 हिस्सा पढ़ सकते हैं, जबकि नाड़ी ज्योतिष 150 का करती है, और उसमें भी एक नाड़ी का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की चर्चा होती है।
तो हमको सामान्य पाराशरी पद्धतियों में बल्कि जैमिनी में भी ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि और अधिक डिविजनल चार्ट्स की आवश्यकता है। और नाड़ी ज्योतिष से समकक्ष पाराशरी ज्योतिष को पहुंचाने के लिए, ऐसा नहीं है कि पाराशर जी कम बुद्धिमान थे या जैमिनी कम बुद्धिमान थे, हर उसकी आवश्यकता होती है, जैसे आवश्यकता होती है उसके अनुसार ही प्रयोग किए जाते हैं, रिसर्च की जाती है। पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे द्वादशांश और विंशांश के बीच में बहुत बड़ा गैप है, या विंशांश और चतुर्विंशांश के बीच में गैप है, शुरू के जो चार्ट हैं उनमें जन्म लग्न, उसके बाद जैसे 10-10 डिग्री के तीन टुकड़े बनाए गए, फिर चतुर्थांश बनाया गया, सप्तांश बनाया गया, नवांश हुआ, दशांश हुआ, द्वादशांश हुआ। यहाँ तो जल्दी जल्दी वर्ग क्रिएट किए गए एक लगन के, पर द्वादशांश के बाद सीधे गैप हो गया। उस बीच में 3-4 वर्ग क्रिएट किए जा सकते थे परंतु नहीं किए गए। मैंने कुछ वर्ग क्रिएट करके प्रयोग करने की चेष्टा की तो मुझे लगा स्कोप तो है पर एक बड़ी स्टेटिस्टिकल रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, और हमें उस पर काम करना चाहिए। आईकास्ट में आप देख रहे हैं कि हमारे श्रद्धेय केदार जी, जस्टिस कपूर, जिनकी मेमोरी में हम सब ये आप कर रहे हैं, उन्हें प्रणाम करते हुए, ये ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजी के एक वर्ग था, दे वर एस्ट्रो ऑर्थोडॉक्स पीपल, पर थोड़ा थोड़ा इनोवेटिव हो गए थे, कुछ बातें करने लगे थे, कुछ नई रिसर्च उन्होंने देने की चेष्टा की थी। पर इसी रिसर्च को बहुत आगे तक ले जाने के लिए आवश्यकता है कि डिविजनल चार्ट्स के जिन भागों में बहुत ज्यादा गैप है उन पर काम किया जाए और स्टेटिस्टिकल वर्क किया जाए। मैंने जब भी कभी भी आपसे मुखातिब हुआ हूं तो हमेशा कोशिश की है कि नई पीढ़ी को रिसर्च की जिम्मेदारी दी जाए और मांग की जाए। शुक्ला साहब से मैं हमेशा ही निवेदन करता हूँ एक रिसर्च ग्रुप क्रिएट कर दीजिए। तो एक पॉइंट तो ये हुआ कि नाड़ी ज्योतिष और पाराशरी सिस्टम्स में डिविजनल चार्ट्स में जो अंतर है उसको पूरा करने के लिए रिसर्च का काम हम लोगों को करना चाहिए। आप हम सब लोगों को चाहिए कि इंडिविजुअल लेवल पर कुछ ना कुछ एक नया पैरामीटर कायम करके करना शुरू कर दें और जरा सा भी रिजल्ट मिले उसको आगे फॉरवर्ड कर दें, ग्रुप में ले आवें, संस्था पे ले आवें। अब मैं नवांश कुंडलियों पर आता हूँ, डिविजनल चार्ट्स पर। देखिए ये 16 टुकड़े हैं, जब लग्न की बात होती है तो केवल एक वर्ग है, जब हम 16 के 16 वर्ग को कंसीडर कर लेते हैं तो वो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आखिर में गोलोक तक हो जाता है। कोई ग्रह 16 के 16 वर्गों में उत्तम हो जाए, अच्छा हो जाए, मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो गोलोक धाम को पहुंच जाता है। यहां एक बात हमको समझना होगा, जब हम वर्गोत्तम कहते हैं तो उसका अर्थ केवल ये नहीं है कि नवांश में ही उसी राशि में हो तो वर्गोत्तम होगा। जिस भी वर्ग में वो लग्न के वर्ग को रिपीट करता है कोई ग्रह, उसे वर्गोत्तम कहा जाना चाहिए।
जैसे विवाह संबंध की अगर हम जांच करते हैं तो सीधा हमको चार्ट को नवांश कुंडली पे चला जाना चाहिए कि आप जब विवाह और विवाह से संबंधित सुखों की और हिस्ट्री की जांच करते हैं तो हमको स्वर्ग पे चला जाना चाहिए। और ऋषियों ने एक शब्द गढ़ दिया उसके लिए कि नूनम नवांशे तु कलत्र सौख्यम। पर जैसे ही हम राज्यों की चर्चा करेंगे तो हम सीधे दशांश कुंडली पर चले जाएंगे। और अगर ये पाए कि दशांश कुंडली में एक ग्रह उसी राशि में बैठा है जिसमें कि वो जन्म लग्न में बैठा है तो उसको वर्गोत्तम डिक्लेयर कर देंगे। तो 16 के 16 वर्गों में वर्गोत्तम की परिभाषा थोड़ी सी बदलेगी। हम केवल नवांश कुंडली से ही किसी ग्रह को वर्गोत्तम न कहें, अन्य वर्गों को भी कंसीडर कर ले। दूसरा, एक ही कुंडली की जांच करते समय समय, जैसे वो व्यक्ति आपके पास एक पूरा जीवन जानना चाहता है तो आपको अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे स्क्रीन पे ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए कि जैसे ही वो अपनी संतान के बारे में पूछे तो आपको एक साथ जन्म लग्न, चंद्र लग्न, नवांश कुंडली, षोडश वर्ग, षडबल और इनके तुरंत बाद सप्तमांश कुंडली हो, इतने चार्ट अभी स्क्रीन पर रहने चाहिए एक साथ बोलने के लिए। एक सेकंड में सबका रवि हो जाए। यानी जब संतान की बात पूछ रहे हैं तो इस तथ्य का पालन करते हुए एक साथ नवांश कुंडली आत्मा है, अगर जन्म पत्रिका शरीर है तो नवांश कुंडली आत्मा है, आप इसका पालन कीजिए। फिर भी आप सप्तमांश कुंडली खोल लीजिए और सप्तमांश कुंडली को देखने के बाद पूरी तरह उस पर निर्भर हो जाइए। डॉक्टर बीवी रमन ने एक जगह लिखा है कि दृष्टि इत्यादि का अध्ययन वर्ग कुंडलियों से भी किया जाना चाहिए। यहां तक तो ठीक है क्योंकि डिविजनल चार्ट्स में ग्रहों के अंश एंगुलर डिस्टेंस चेंज हो जाती है, जो दो ग्रहों के बीच में कोणीय दूरी लग्न में है वो नवांश कुंडली में नहीं होती। डॉक्टर बीवी रमन ने ऐसा क्यों कहा उसका तो मुझे ज्ञान नहीं है, पर जब ग्रहों की युति या संबंध की हम खोज करते हैं डिविजनल चार्ट्स में तो नियमों की पुष्टि होती हुई दिखती है। मैंने सबसे ज्यादा अध्ययन इसका किया कि क्या केवल एक वर्गीय कुंडली लेके, जैसे विवाह का पूरा शुरू से लेकर आखिर तक ज्ञान केवल नवांश कुंडली से किया जा सकता है। सरप्राइजिंगली आप ऐसा कर सकते हैं, पर आपको इसके लिए बीच बीच में जन्मपत्र को देखते रहना पड़ेगा क्योंकि नवांश कुंडली से एक बार में एक सेकंड में ये देखना मुश्किल होता है कि ग्रह अस्त है या नहीं, ये कितना दूरी है, ये क्या है। तो आपको मूल चार्ट तो हमेशा सामने रखना ही पड़ेगा और कभी कभी काम आएगा आपको हम पूरी हिस्ट्री का ज्ञान विवाह का नवांश कुंडली से कर लेना चाहिए, आपको सफलता मिल सकती है। जेमिनी ने डिविजनल चार्ट्स को लेकर बहुत बड़े प्रयोग किए।
राजस्थान में जैमिनी ब्राह्मण आज भी बहुत हैं, और जैमिनी ऋषि का राजस्थान से बहुत संबंध रहा है, क्यों पाराशर जी तो राजस्थान में थे ही थे, और पहले तो वेदव्यास जी राजस्थान में बहुत आते रहे, और उनके शिष्य जैमिनी थे, तो पाराशर जी भी बाद में उत्तराखंड में शिफ्ट हो गए थे, पर उनकी मृत्यु यही हुई थी। तो ये बात मानी जा सकती है कि हमको बहुत सारे लोगों को पाराशर जी के बारे में पता नहीं है कि जंगलों में रहते हुए उनके भेड़ियों से युद्ध हो गया था। पहले तो भेड़ियों ने उनका पाराशर जी का एक पैर खराब कर दिया, और फिर आखिर में वो भेड़ियों के आक्रमण में ही उनके वो और उनके कुछ साथी शांत हो गए थे। तो ये राजस्थान से लगातार बराबर संबंध बना रहा, और चूंकि पाराशर के पुत्र वेदव्यास के शिष्य जैमिनी थे, एक दर्शन उनके नाम से भी है, उनका संपर्क राजस्थान से बहुत ज्यादा रहा। सबसे ज्यादा क्रांतिकारी ज्योतिषियों का जो वर्ग रहा वो जैमिनी परंपरा है, जिस जैमिनी को हम जानते हैं वो आखिरी थे इस परंपरा के, और जो पाराशर युग में थे, महाभारत युग में थे। पाराशर जी तो राजा विराट से 15 किलोमीटर की दूरी पर ही था उनका, जहां हम लोग जाते रहे। तो उन्होंने जैमिनी ने कारकांश लग्न की बात कहते ही आत्माओं में भी श्रेष्ठ जो ये है ना कि सब लग्न अगर शरीर है तो नवांश कुंडली आत्मा है, उस आत्मा का भी श्रेष्ठ अंश कारकांश लग्न के रूप में चुना, उसको प्रोजेक्ट किया, सामने रखा, और हम सब जमा जानते हैं कि कारकांश केवल कारकांश कुंडली से इतनी भविष्यवाणी इतनी तेज गति से की जा सकती है जैसे कि कोई कंप्यूटर से की जा सकती है। मैंने अपने विदेशी प्रवासों में जब बहुत क्विक आंसर देना चालू किया तो मेरे को जैमिनी की बहुत ज्यादा मदद मिली। केन राव ने उन दिनों जैमिनी को सिर पे बैठा रखा था, वो प्रचार प्रसार किया, काम कर रहे थे, चार दशा पर उनके जो प्रयोग थे उसमें मैंने बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी की थी, उनसे बहुत ज्यादा बहस की थी, और उनके साथ हर ट्रिप जो हम करते थे उसमें ये तलाश कर लेते थे। वहीं पर वर्ग कुंडलियों को ले केन राव के साथ एक यात्रा मेरी उदयपुर की हुई, विषय यात्राओं से एक यात्रा ऐसी थी जिसमें नाड़ी ज्योतिषी ने, यहाँ उत्तर भारत में भृगु ज्योतिषी कहते हैं, उसने मेरी कुंडली को देख के दो एक बात कही कि इनके नवांश कुंडली में सारे केंद्र भरे हुए हैं और इसलिए ये विश्व विख्यात हूं। और उसी रीडिंग के आखिर में एक बात उन्होंने ये कही दी कि वर्तमान कुंडली और वर्तमान नवांश लग्न से ये विश्व विख्यात नहीं हो सकते, इसलिए इनकी कुंडली, अगर इन्होंने कई देशों की यात्रा की है तो इनका और निर्णय कश्यप संहिता से किया जाएगा। कश्यप का मतलब सूर्य, काश्यप है सब देवताओं के पिता हैं कश्यप ऋषि। तो कश्यप संहिता क्या कहेगी मेरे बारे में, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं ये समझता था कि साधारण भृगु ज्योतिषी जो कहते हैं उसमें नवांश कुंडलियों का जिक्र नहीं आएगा, पर मेरी कुंडली में तो स्पष्ट आ गया कि चारों केंद्र भरे हुए हैं, जो सच भी है। केंद्रा चौंके, अब ये अगली बात क्या कहना चाहता है। अब हमारा सारा फोकस हो गया कि अगली बार जब ये बताएगा 3 महीने बाद का टाइम किया, कश्यप संहिता मेरे बारे में क्या कहती है। हम लोग इस बारे में 4-5 बार मिले और तर्क वितर्क करते रहे क्या आने वाला है। मेरी ओपिनियन ये थी कि या तो सायन ज्योतिष की बात करेगा या मेरी सूर्य कुंडली की बात करेगा, जो कि बहुत सशक्त है क्योंकि सूर्य के साथ 3 ग्रह और हैं, मिथुन राशि में 4 ग्रह एक साथ ही हैं, जो मेरी जन्मपत्रिका की ताकत है, ज्योतिष की ताकत। तो कश्यप संहिता जब खुली तो वही बात आई कि उन्होंने ये बात कह दी।
रिपीट वहां भी हुआ कि नवांश कुंडली ये है, परंतु इनका भविष्य कथन सूर्य कुंडली से किया जाना चाहिए, कश्यप जी उसी को प्रधान मानते हैं। ये बात होती, हम कनेक्ट हो गए सुदर्शन चक्र से और फिर आ गए वापस अपने ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजी पे कि जन्म लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न में से जो प्रधान हो उसी से भविष्य कथन किया जाना चाहिए। तो हमको दिव्य ज्ञान हुआ कि भृगु जी यूं ही नहीं थे, उन्होंने बात हजारों वर्ष पहले पकड़ ली थी, और हमने जब उसको आधार बना लग्न मान कर जब दशाफल को उसमें फैलाना शुरू किया तो घटनाएं सामने आने लगी, पुष्टि होने लगी। फिर जैमिनी पर आता हूं तो कारकांश लग्न को और बल देने के लिए उन्होंने स्वांश कुंडली का कहना शुरू कर दिया जैमिनी जी ने, यानी सब ग्रहों का नवांश निकाल लो और कारकांश लग्न में उस नवांश कुंडली को पोस्ट कर दो तो स्वांश कुंडली हो गई। आज से 20-50 साल पहले की जब कुंडलियां मेरे सामने आती हैं राजस्थान की, उनमें अनिवार्य रूप से कारकांश और स्वांश कुंडली का प्रयोग होता है, लिखा मिलता है। हम लोग उससे बताना जाने या नहीं जाने, मेरी तो गहरी रुचि थी तो मैंने राजस्थानी, और राजस्थान में एक इतनी बड़ी चीज मिल रही है जो देश के किसी और भाग में नहीं मिल रही, तो मैं क्यों नहीं रुचि लूं। पर अब वो पंडित चले गए जो स्वांश कुंडली को देखते ही बोलने लगते थे, पर मैंने जैमिनी ज्योतिष का खुल के प्रयोग विदेशों में किया। एक लड़की मेरे सामने जर्मन आई, मैंने उसके कारकांश लग्न में बृहस्पति देखे और बुध देखे, मेरे को एक सेकंड में जैमिनी याद आया, मैंने कुछ भी नहीं देखा और खट से बोला कर्म ज्ञान निष्ठा वेद विदश्चे और बुधेन मी मान सके, यानी कारकांश लग्न में या कारकांश लग्न से पंचम में बृहस्पति है तो क्या मिलेगा, कर्म ज्ञान निष्ठा वेद विदश्च, कर्मशील कर्म रतम परोपकारकम च, कर्मशील परोपकारी हमेशा करता रहे, कर्म ज्ञान, ज्ञान का मतलब आप जानते हैं, कर्म ज्ञान निष्ठा सिंसियरिटी, सिंसियर मिलेगा। कारकांश लग्न में जिसके बृहस्पति है वह नवांश, वह कीमती नवांश जिसमें जिसे एक साथ इतने गुण मिलते हैं जिसमें, वो कारकांश लग्न है और वो नवांश एक सिंसर मिलेगा, लाइफ लॉन्ग सिंसर, 20-30 साल जुड़ा रहेगा, किसी से भटकेगा नहीं। वेद विदश्च, वेद विद, अब जर्मन लड़की के लिए मैं कैसे कहूँ वेद पढ़ेगी, इसमें मैंने कॉम्प्रोमाइज किया कि वेदांग पढ़ेगी। हम लोग यही तो कर रहे हैं, पहले वेदांग पढ़ रहे फिर वेदों में रुचि होती, आयकाश का जितना भी स्टाफ है उनको उसको वेदांग पढ़ा रहे। वेदांग ज्योतिष के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रणेता थे महात्मा लगत थे, वैदिक ऋषि थे, तो वेद विदश, तो उस लड़की के लिए मैंने भविष्यवाणी की और पुष्टि के लिए मैंने कारकांश लग्न में बुध को पकड़ा, बुधेन मीमांसक है, परंपरागत मीमांसा का अर्थ है वेदांत, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, एक वो जिसको हम शंकराचार्य और वेदव्यास का मत मानते हैं, और एक वो जिसमें कुमारिल भट्ट आता है जिसमें वेद को अपौरुषेय कहा गया है और वेद को ही प्रथम माना गया है और उसी की पूजा है, यूं मान लो वो कर्मकांड की प्रतिष्ठा है। तो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में ये दो आते हैं वेदांत के जो मत हैं, वैदिक जो मत हैं मीमांसा के, ये प्रथम, ये भारत के दो प्रमुख दर्शनों में से हैं। तो मैंने उस लड़की के लिए कारकांश लग्न में दो ग्रहों को लेकर भविष्यवाणी की कि ये लड़की ज्योतिष सीखेगी। बहुत बड़ी रिस्क ली मैंने जिसको कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब मैं तो कह के और आ गया कि गलत हुआ तो दोबारा नहीं बुलाएंगे कभी, और 5-7-10 दिन वर्ष में फल गई मेरी बात, तो वो लड़की मेरे पास आई रहेगी, ज्योतिष सीखना है तो आयकाश से कॉन्टेक्ट करेगी, करेगी सबसे पहले मेरे पास आएगी। मेरे दिमाग में ये था आएगी तो भारतीय विद्या भवन का रास्ता दिखा देंगे, तो भारतीय विद्या भवन ही था, तो उसके बाद में आयकास का अपने इतने इतने सारे चैप्टर आ गए। तो यानी डिविजनल चार्ट्स का सबसे अच्छा प्रयोग
जेमिनी ने कहा किया, केवल एक नवान से इतने सारे बात बता दी, कर्म ज्ञान है निष्ठा वेद विदेश से, और बुध है तो ये, शुक्र है तो ये, सूर्य है तो, अब सूर्य को लेके कह दिया, देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। तत्र रविना राजकार्य पर है, कारकांश लग्न में सूर्य हो तो राजकार्य करेगा। मेरा दिमाग खटका, जेमिनी क्या कह रही है, राजकार्य करेगा मतलब राजा नहीं बनेगा, गौर करें। तत्र रविना राजकार्य, तत्र कहते हैं लग्न, राजकार्य करेगा राजा नहीं बनेगा, सेनापति बने, प्रधानमंत्री बने, मंत्री बने, कुछ भी बने, पर राजा नहीं बने। अरे तो योग प्रतिबंधक हो गया, ये तो राजयोग नहीं दे रहा, ये तो राजयोग को सीमित कर रहा है। तो जेमिनी के नवांश कुंडली पर, डिविजनल चार्ट पर अध्ययन की पराकाष्ठा है कि वो इतनी बड़ी बात कह सके। जब एक लग्न से इतनी बात कह रहे हैं तो स्वांश कुंडली से तो क्या क्या नहीं कह सकते हम लोग। पर हमारी रिसर्च स्वांश कुंडली के अन्य वर्गों पर कम है, अन्य भावों पर कम है, जिसको हमको करना है। अब जो नई पीढ़ी है, जो लोग आएंगे, वो इस विषय पर ध्यान देंगे। अब मैं वर्ग कुंडलियों के लिए कुछ और बातें कहता हूं, वो चार्ट लाए। इस चार्ट को देखिए, सबको नजर आ रहा है, अपलोड कर दिया मैंने। सबसे पहले ये देखें, ये इस चार्ट आपका जरूर होना चाहिए भविष्यवाणी करने से पहले। मैंने बहुत अध्ययन किया और यह पाया कि जब तक एक वर्ग में हो तो लग्न कहलाती है, दो वर्ग में कोई ग्रह हो अच्छा, यानी मित्र वर्ग तक स्वराशि, उच्च राशि और मित्र वर्ग तक लिया जाता है इसमें। दो में हो तो भेदक है उसकी संज्ञा, तीन में है तो कुसुम है, चार वर्गों में है तो नाग पुष्प है। ये नाग पुष्प से एक्टिवेट होने तो होते हैं ग्रह, यहां तक तो रखते हैं आपको गांव में आपके, प्रसिद्ध हो जाओगे दो या तीन ग्रह कुसुम संज्ञा में हो। पर जब आपको गांव की सीमाओं से, तहसील की सीमाओं से बाहर निकाल के ले जाना चाहते हैं ना, ग्रह राज्य में प्रसिद्ध करना चाहते हैं, तो ये नागपुष्प तो कम से कम होना ही चाहिए। यानी एक ग्रह को 16 वर्गों में कम से कम चार वर्गों में उत्तम होना ही चाहिए। जिले से बाहर निकालनी है आपकी प्रसिद्धि को, आप डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हो जाओ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाओ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो जाओ। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम तो चलो राज्य में जाने लगता है, पर बहुत सारे ऐसे हैं आप जिले तक सीमित रहेंगे। नाग पुष्प, एक ग्रह नाग पुष्प में होगा तो वो ग्रह अपने सब्जेक्ट में आपको जिले में प्रसिद्ध कर देगा। कंदुक होते ही आप चेष्टा करने लगते हैं, यानी एक दो तीन चार पांच, कोई एक ग्रह अगर पांच वर्गों में उच्च राशि में है, मूल त्रिकोण में है, स्वराशि में है या परम मित्र की राशि में, तो कंदुक हो जाएगी उसकी संज्ञा। पर वृत्त पाराशर हो शास्त्र में ये डिविजनल चार्ट इसी रूप में उपलब्ध है। चार्ट स्टाइल में हमने बना दिया, पर वहां सारणी मिल जाएंगी आपको। यहां आप राज्य की सीमाओं से बाहर निकलने की चेष्टा करते हैं। अगर आपका एक ग्रह है तो उस ग्रह के सब्जेक्ट में आप प्रसिद्ध होने लगेंगे। अगर आपके पांच ग्रह हो गए जो कंदुक कैटेगरी के हैं तो निश्चित रूप से आप अति प्रसिद्ध होने लगेंगे, पर होगा ये कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो जाएंगे, मास्टर ऑफ नन होना है जैक ऑफ ऑल ट्रेड का मतलब। पर मास्टर ऑफ वन अगर आप होंगे तो आपको कोई एक ग्रह तो चाहिए जो आपको केरल की संज्ञा में लेके आया। यानी आपने एक परीक्षा दी 10वीं की 12वीं की बोर्ड की, उसमें से चार में तो आपके 60-70% आए, एक ऐसा हुआ जिसने आपको 85-90% दे दिया, तो सारी सामर्थ्य को आपको उठा लेगा वो एक ही ग्रह, एक ही पेपर, और आप उसमें एक में भी केरल में आ गए तो ये मान के चलना कि आप अपनी छाप एक राज्य स्तर की आबादी पर छोड़ रहे हैं। और जब आप सिद्ध कहलाओ, हाँ ये ही इज द राइट पर्सन, ये है कल्प वृक्ष, एक भी ग्रह सारी कुंडली में और चाहे सारे इनमें फंसे रहे, एक भी ग्रह कल्प वृक्ष हो गया ना, तो आपकी ख्याति राज्य से बाहर जाने लगती है। तो ये बड़ा
अनुभव है मेरा कि ये ग्रह तो ज्योतिषी को प्रसिद्ध होना है, हमको नौकरी में प्रसिद्ध होना, हमको बिजनेस में प्रसिद्ध होना, हमको ब्रांडिंग चाहिए, हमको इमेज बिल्डिंग चाहिए, हमारा ब्रांड खड़ा होना चाहिए। ढूंढो सबसे पहले, कोई आता ना इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, मैं फैक्ट्री में चीज बना रहा हूँ और आज तक तो मैं जॉब वर्क ही कर रहा हूँ, कैसे करूँ? मैं सबसे पहले सारणी पे जाता हूँ, देखता हूँ कि इसका कोई ग्रह कल्प वृक्ष में आया कि नहीं, और जैसे ही कल्प वृक्ष में नजर आई मैं कहता था यस, अब तुम अपने ब्रांड से चीज बनाना शुरू करो। साल दो साल तीन साल में जब भी तुम्हारी कोई अच्छी अंतर्दशा आएगी, नवम भाव की, दशम भाव की, पंचम भाव की, लग्न की, तुम्हारा ब्रांड फेमस होने लग जाएगा। ये बिल्कुल भी इनोवेटिव नहीं है, हजारों साल पहले ऋषि कह चुके हैं, खाली हमारी नजर नहीं है कि इसको देखने की टेक्निक कैसे निकालें। आइकास की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही है कि हमारे बड़े लोगों ने डिविजनल चार्ट पर ध्यान दिया और उनसे कैसे देखें घटनाओं को और उसको तलाश करना शुरू किया। तो इंडिविजुअल चार्ट से अलग मैं समन्वित रूप से इस पद्धति में ज्यादा भरोसा करने लगा हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना पड़ता। आजकल कंप्यूटर एक टेबल दे देते हैं, एक सेकंड में सामने आ जाता है। हालांकि सॉफ्टवेयर में गलतियां बहुत सारी हैं आजकल, तो मैं व्यक्तिगत परीक्षण भी करता हूं, पर एक बार तो रिजल्ट लेने के लिए, अब वो कल्प वृक्ष नहीं हो गया, चंदन हो गया या केरल हो गया, ये हो सकता है, कंप्यूटर रिजल्ट तो देगा ही। अधिक एक्यूरेसी के लिए आप कंप्यूटर को मालिक मत बनाइए, आप कंप्यूटर को नौकर बना के रखिए, तब जीत में रहेंगे। मशीनें भी गलती कर दी, मशीनों में भेजा जिनने डाला है वो भी गलत हो सकते हैं। तो अब यहां तक 95% रिश्ता भी यहां तक सलट जाता है, कल्प वृक्ष तक। आप में से बहुत सारों के मन में जिज्ञासा होगी कि जो प्रसिद्ध नाम है आपके ज्योतिष जगत में, आइकास के या बाहर के, वो किस कैटेगरी में आते होंगे। मैं बताता हूं आपको, मेरा एक ग्रह कल्प वृक्ष में है और बाकी तीन चार ग्रह इसमें या इसमें है। इन्हीं ने इतना कर दिया, अरे यहां तक होने तक तो भगवान हो जाएंगे, यहां होने तक इंद्र हो जाएंगे, शक्र सिंहासन, शक्र इंद्र को कहते हैं, यहां होने पर देवता हो जाएंगे, यहां होने पर यक्ष किन्नर गंधर्व हो जाएंगे। ये उच्च श्रेवा था, कलयुग में चेतक घोड़ा है, चेतक को इतनी प्रसिद्धि मिली जितनी साधु संतों को भी नहीं मिलती, इतनी श्रद्धा है लोगों की, वहां सारे हिंदुस्तान में नाम गया हुआ चेतक का। खैर ये उच्च श्रवा था, वहां से समुद्र मंथन से निकला था, इंद्र का अश्व है। अमिताभ बच्चन का एक ग्रह पूर्णचंद्र है, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का एक ग्रह चंदनवन में है, अमिताभ बच्चन का एक ग्रह पूर्णचंद्र है, अब देखिए आप सतीश शर्मा में जिसका एक ग्रह कल्प वृक्ष में और अमिताभ बच्चन में, एक और हजार का फर्क होगा, 1000 times हायर। सतीश शर्मा को एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदुस्तान में जानता है, पर अमिताभ बच्चन को इतने लोग जानते हैं जितना शायद अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं जानते। एक आध प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्शन आ गए हैं अपने, जो इन कलाकारों के भी बड़े कलाकार हैं, अमेरिका में जाके धूम मचाया है, पर हमारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी तो थे ना जिनको बहुत सारे स्कूली बच्चों को उनका नाम ही नहीं पता होता था। तो ये बात समझने की है कि देखो केरल के बाद से 1,000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 ,
भाषा में मैं ये कह रहा हूं, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, एक जनपत्रिका 10 लाख से 10,000 करोड़ पर कैसे जंप करती है, उसको अगर समझना है तो आपको 16 वर्ग के इस चार्ट की मदद लेनी ही चाहिए। चतुर्वेदी जी, आपसे आग्रह है कि इस पर वेवर कर आप अपने यहां से करा, आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, 10-10 कुंडलियों के
दीजिए आप लोगों को कि देखो किन किन के कल्पवृक्ष से ऊपर है। केरल से ऊपर आदमी असाधारण होने लगता है। और षोडश वर्ग, दस वर्ग में नहीं, षोडश वर्ग में लीजिए, वहां सही पकड़ मारता है। अब मैं एक टॉपिक और लेता हूं नवांश कुंडली की ताकत बताने के लिए। कोई ग्रह संधिगत हुआ और ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजी में ये कहा गया कि साहब संधिगत हो गया तो इसलिए ग्रह इसका बल शून्य हो गया। मैंने इसके अपवाद खोजने शुरू की, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ग्रह की जीरो वैल्यू हो जाए। एक फिजिकल एंटिटी है, एक ग्रह है, एक देवता मानने लगे हम उसको, उसकी जीरो वैल्यू कैसे हो सकती है? संधिगत होने पर फल शून्य हो जाए, इसका अपवाद जरूर मिलना चाहिए। तो मैंने एक फार्मूला पकड़ा कि साहब कोई ग्रह चर राशि में हो तो उसका पहला नवांश ही वर्गोत्तम होता है, अगर स्थिर राशि में हो तो पांचवा नवांश वर्गोत्तम होता है, और द्विस्वभाव राशि में हो और शुरू के 3 डिग्री 20 मिनट में ही हो तो क्या होगा। परंतु वर्गोत्तम तभी होगा जब आखिरी 26-40 से 30 डिग्री तक अगर होगा तो नवांश वर्गोत्तम होता है। पैरामीटर नंबर एक, 26-40 से 30 डिग्री के बीच में जब ग्रह होगा तभी तो संधिगत होगा ना। या 1 डिग्री पर 2 डिग्री पर हो किसी राशि में तो संधिगत हो सकता है। जैसे तो हम दो ग्रह उठा लिए कि द्विस्वभाव राशि की आखिरी अंश वाला ग्रह, और ये देखा कि संधिगत होकर जीरो हो जाता है या ये वर्गोत्तम नवांश में होने का फल देता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ग्रह वर्गोत्तम हो नवांश कुंडली में या किसी भी वर्ग में और वो फल ही नहीं दे? अवश्य देगा। पर जैसे हम ये कहते हैं तो ज्योतिष ग्रंथों में इस कहे गए इस तर्क का खंडन होता है कि संधिगत ग्रह शून्य फल देते हैं या कम फल देते हैं। तो हमको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि संधिगत ग्रह अगर वर्गोत्तम की कैटेगरी में आ जाए तो मेरा जीवन भर का अनुभव यह है कि वो वर्गोत्तम होने का फल निश्चित देगा और संधिगत होने के दोष से शाप से मुक्त हो जाएगा। इसके परीक्षण के लिए आप एक काम और करिए, उस ग्रह के षडबल के नाप और कर लीजिए। कोई ग्रह चाहे अस्त हो चाहे नीच में हो, अगर षडबल में वो शानदार है, 60 का लबल मिल गया, ज्यादा मिल गया, 90 या 100 का लबल मिल गया, 1.10 हो गया, 1.5 हो गया, 1.15 हो गया, तो मान के चलना बहुत सारे दोषों से मुक्ति हो जाएगी और वो पूरा फल देने में समर्थ हो जाएगा। तो यानी दो चीज टेकअप करें आप, कोई ग्रह जब संधिगत हो तो ये मान के चले कि अगर वो वर्गोत्तम हो गया है या अच्छा उत्तम हो गया है तो अवश्य फल देगा, जीरो संधिगत होने का कारण से जीरो नहीं हो जाएगा। और इसकी पुष्टि के लिए आप षडबल की गणना जरूर करें। अगर वो ग्रह षडबल में भी उत्तम हो और उधर डिविजनल चार्ट में उत्तम हो गया हो तो संधिगत होने के दोष से मुक्त हो जाएगा, वो निश्चित रूप से फल देगा। संधिगत होने के कारण वो इस भ्रम में रहता है ग्रह कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, इस राशि से उस राशि में जाऊं तो किसका फल दे, उस दोष से मुक्ति ग्रह को मिल जाएगी। आप निश्चिंत होकर अपना भविष्य कथन कीजिए। एक तो ये बात हुई। फिर नवांश के अलावा भी जो और वर्ग हैं उनमें सब ग्रंथों में और सारावली में जो कहा गया है
एक साल अगली बार, बहुत अंतर है। मेरी आप सबको सलाह है कि डिविजनल चार्ट्स पर स्टडी करने के लिए वृहद पाराशर होरा शास्त्र जैसे ग्रंथ फलदीपिका जिसके अलावा आपको पाराशरी जरूर पढ़नी चाहिए। ये सारावली, सारावली में कुछ फल अलग दिए गए और वो कमाल के, पर मैंने उनको फलित होते देखा। उनमें टर्मिनोलॉजी ज्यादा है, कुछ शब्द ज्यादा है हर वर्ग के लिए, कुछ नए भी हैं जो पाराशरी में नहीं है। पाराशर यूं समझ सकते हो कि जिसने पाराशरी नहीं पढ़ी उसने क्या ज्योतिष की, एक अपना आप में संपूर्ण ग्रंथ है। फिर भी लोगों ने रिसर्च की और रिसर्च करके, मैं एक सेकंड के लिए, क्योंकि बहुत वीआईपी कॉल है। सर नमस्कार, हाँ शैलेंद्र जी क्या भेजा है आप वहां बता रहे हैं। फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली फॉर दिस ओनली, वो काम में लगे थे, फिर बोले मैं पहुंच रहा हूँ तो उठा लेंगे, थोड़ी देर में उठा लेंगे, आप तो निश्चिंत होकर। सॉरी, अपने पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह का फोन था, जो मिनिस्टर भी हैं, तो मेरे को उठाना पड़ा। आज के देवता तो यही है। तो सारावली में कुछ जो ग्रहों का वर्णन है, कुछ वर्गों का वर्णन है, मैं एक सेकंड में आपको पढ़ के सुनाता हूं। चैप्टर और श्लोक नंबर भी बता दीजिएगा सर प्लीज। जी हाँ बताऊंगा, अति महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने इस टॉपिक को ले लिया। मेरे पास डॉक्टर मुरलीधर चतुर्वेदी का एडिशन है और इसका पंचम अध्याय में वर्गों का विवरण आता है, पढ़ के एक दो श्लोक सुनाता हूं। दृष्टिकोण बल के लिए, स्वदृष्टिकोण बले नाहीनो गुण भाजनम ग्रह कुरुते, स्वनांशक बल युक्त है करोति पुरुषम प्रसिद्धम च। क्या कहते हैं, अपने दृष्टिकोण बल से युक्त ग्रह हो तो गुणवान, और अपने नवांशगत बल से युक्त ग्रह हो तो प्रसिद्ध होता है। करोति पुरुषम प्रसिद्धम च, पुरुष को प्रसिद्ध कर देता है, जन्म से प्रसिद्ध नहीं होता, अपने कर्म से वो प्रसिद्ध होता है। अब सप्तांशक बल का और द्विंशांश बल का एक ही श्लोक में है। सप्तांशक बल सहित है साहसिकम वित्त कीर्त्याढ्यम, सप्तांशक बल से युक्त हो तो वित्त और कीर्ति दोनों बनती है, और द्विंशांश बल समेत है कर्मरतम परोपकारकम च। कितना कीमती शब्द है ये। द्वादशांश का दोस्त होते माता पिता का फल ले उससे। सरावलीकार क्या कहते हैं कि कर्मठ और परोपकारी बनाता है। कर्मरतम, कर्मरतम का मतलब पूरे 100 साल काम करता रहेगा मरने तक, 14-16 घंटे काम करेगा। और परोपकार कम, परोपकार कौन करता है, चैरिटी वही करता है जिसके पास सरप्लस मनी हो। दान लेके आजीविका करने वाला चैरिटी नहीं करता। चैरिटी की एक शर्त है कि उसके पास अपना पेट भरने के अलावा 2 पैसा बचा हो, इसका मतलब वो धनी होगा। परोपकार कम चैव का मतलब वो धनी भी होगा। ये निहित शब्द छिड़े हैं। एक और भी शानदार है, वो और भी बढ़िया है, ये कहता है, बस किसी एक का बताऊंगा, त्रिंशांश का। त्रिंशांश बलेन यथा विकसत सौख्यम गुणान्वितम कुर्यात, त्रिंशांश बल से युक्त ग्रह है। अब तक तो त्रिंशांश को हम क्या समझते हैं, अरिष्ट ज्ञानम, और ये क्या कहते हैं सारावलीकार, विकसत सौख्यम, सुख विकसित होता है। आज साइकिल ली, फिर स्कूटर लिया, फिर कार ली, फिर हवाई जहाज, विकसित सौख का ये मतलब है। और गुणान्वितम कुर्यात, गुणी होता चला जाता है। पहले 1 डिग्री करी, फिर 2 डिग्री करी, फिर जैमिनी ज्योतिष पढ़ी, फिर पाराशरी पढ़ी, फिर ये पढ़ लिया, फिर संसार के सारे ग्रंथ पढ़ लिए, ये
विकसित सौख्य और गुणान्विता होना, तो ये चीज आपको जरूर अध्ययन करनी चाहिए। वर्ग कुंडलियों में सारे ग्रंथों में कुछ ना कुछ ना कुछ कुछ नया नया बताया गया है, तो उसकी तरफ आपको जाना चाहिए। तो यो करके अब दो लाइन और बोल के मैं, क्योंकि टाइम हो रहा है इसकी माफी नहीं मिलेगी, तो मैं दो बात कहता हूँ जैमिनी को लेके। जैमिनी ने एक बात कही है कि वर कुंडलियों को महत्व देने के लिए जैमिनी से अच्छा कोई नहीं है। रोगेश तुंगे नवांश वृद्धि, अगर अष्टमेश उच्च राशि में हो, रोगेश बोलते हैं अष्टमेश को, रोगेश तुंगे नवांश वृद्धि, अगर अष्टम का ग्रह एक उच्च में हो जाए तो एक नवांश की आयु बढ़ जाती है। नवांश वृद्धि शब्द है, कितना महत्व दिया उन्होंने नवांश को। दूसरा, पूर्णेंदु शुक्रयोर एक राशि वृद्धि, एक राशि यानी पूर्ण इंदु और शुक्र हो, पूर्ण चंद्रमा और शुक्र चंद्रकला से युक्त, तो एक राशि के बराबर आयु बढ़ जाती। तो कम से कम बहुत सारे योग ऐसे हैं जो केवल वर्गों पर ही आधारित है, केवल नवांश पर ही आधारित है, केवल दशमांश पर ही आधारित है। आपको ये करना होगा कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने, तो मैंने देखा कि उनकी दशांश कुंडली में जब राहु और शुक्र बैठे थे, तो राहु और शुक्र की अंतरदशा में ही वो प्रधानमंत्री बने। आप किसी की भी शादी देखो तो जन्म पत्रिका से पुष्टि नहीं हो तो नवांश कुंडली में देखो, उसकी शादी के समय जो दशा अंतरदशा थी उसका संबंध सप्तम भाव के से होना ही चाहिए, D9 के सप्तम भाव से होना ही चाहिए। किसी को राजयोग है या पहली कमाई करनी है तो उसका संबंध दशांश कुंडली के दशम भाव से होना ही चाहिए। किसी के संतान प्राप्ति का योग देख रहे हो या संतान की उन्नति का योग देख रहे हो, तो चल रही दशा अंतरदशा का संबंध उसके पंचम भाव से होना ही चाहिए। ये जन्म कुंडली नहीं कहेगी, ये सप्तमांश कुंडली से टेस्ट किया जा सकता है। अगर चल रही दशा का संबंध सप्तम भाव से या पंचम भाव से या दशांश कुंडली से नहीं मिले तो उस वर्ग को मानने से इनकार कर दीजिए। वर्ग कुंडली एक आगे या पीछे के वर्ग की बनेगी, आगे या पीछे होगी, उसमें संशोधन करके ही आप करें। दूसरा, आप जरूर करें कि साहब नष्ट जनपत्र तैयार करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरी पद्धति यह है कि मैं केवल दो वर्ग टेस्टिंग से पकड़ लेता हूँ कि इसका सही टाइम क्या है। पहला तो देखो उसकी नवांश कुंडली, सबसे पहले ये सप्तम D9, उसका विवाह का तारीख पूछता हूँ, महीना और वर्ष, तारीख की जरूरत नहीं है। और अगर उसके D9 और उसका चल रहा जो दशा संबंध, दशा अंतरदशा, प्रत्यंतर में देखिए दशा और अंतरदशा, तो मान के चलिए उन दोनों में तालमेल हो गया तो वो टाइम सही है। फिर भी उसकी पुष्टि के लिए दशांश कुंडली और देखता हूँ, तो मैं पूछता हूँ पहली कमाई कब करी, उसने कहा सब तब करी, पर वो इसमें दिख नहीं रही है डिविजनल चार्ट में। मैंने कहा पहली कमाई वो जो स्थिर हो, यानी पहली नौकरी अगर 10-5 साल चली हो तो दिखेगी डिविजनल चार्ट में, वरना नहीं दिखेगी। तो दशांश कुंडली के दशम भाव में स्थित ग्रह, दशम भाव से के स्वामी से युद्ध करने वाले ग्रह, दशांश कुंडली के दशम भाव को देखने वाले ग्रह की दशा अंतरदशा में ही जॉब मिलेगा, ये तय है। इस तरह से अगर दो वर्गों से भी आप जन्म पत्रिका की जांच कर लेते हैं और करेक्ट आती है, तो ये मान के चलना कि आप उसके जन्म समय के आसपास पहुंच गए हैं। इतना कहते ही मैं उनको प्रणाम करते हुए, केदार जी को और जस्टिस कपूर को एक साथ, और चतुर्वेदी जी, अब तो दो दो चतुर्वेदी जी हैं,